नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन की सरकार बनाई है तब से विपक्ष उन्हें घेरने का एक मौका नहीं छोड़ती है। जहां विपक्ष लगातार उनकी सरकार पर सवाल उठाती है, फिर वो सवाल रोजगार हो या फिर प्रशासन हो या फिर शराबबंदी हो। पिछले दिनों जहां विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी नीतियों को लेकर सवाल करती है कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो फिर इतने शराब के मामले कैसे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब से नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है शिक्षक नियमावली को लेकर, तब से लगातार विपक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी मुश्किल जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो उनके खिलाफ जो लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती की नई नियमावली में बैठे बिठाए रोजी रोजगार का माहौल बना रही नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार के खिलाफ राज्य भर में शिक्षकों को खड़ा कर दिया गया है। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर बूथ पर चुनाव कराने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले करीब 3.5 लाख शिक्षकों को लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले नाराज करके महागठबंधन सरकार ने एक बड़ा रिस्क ले लिया है। एक तरफ शिक्षक उबल रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार को समर्थन दे रही लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम ने भी टीचर्स की मांग को जायज ठहरा दिया है। बिहार में प्राथमिकी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों शिक्षकों के संगठन हाथ मिलाकर आंदोलन पर उतर गए। 20 मई को सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसके दूसरे चरण में 22 मई से जिला मुख्यालयों पर धरने का काम जो है वो शुरू होगा। इसके बाद जुलाई में विधानसभा सत्र के दौरान पटना में प्रदर्शन होगा। नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद से लगातार शिक्षक संघ के नेताओं ने इस शिक्षकों को अपमान बताया है, लेकिन नीतीश सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षकों की नई भर्ती के लिए बीपीए परीक्षा बीपीएससी लेगी और इसके जरिए करीब 2.25 लाख शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के दर्जा से बहाल करेगी। एक समय था जब बिहार के स्कूल में विद्वान शिक्षक कायदे से पढ़ाने का काम कर रहे थे। ये वही दौर है जब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईटीएन और एम्स के परीक्षाओं में थोक के भाव से पास हो रहे थे। फिर शिक्षकों का ट्रांसफर होने लगा। अध्ययन, अध्यापन और अनुशासन में शिक्षकों के इकबाल का भी एक रोल था जो सनातन के साथ खत्म होता चला गया। विद्वान शिक्षक रिटायर होते गए और उनकी जगह एडहॉक व्यवस्था ने ले ली। जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब 1980 में उन्होंने राज्य भर में कई निजी ट्रस्ट या कमेटी द्वारा संचालित स्कूलों का समीकरण करा दिया था। तब सरकार ने बगैर कोई परीक्षा लिए उन स्कूलों में 40,000 शिक्षकों को बतौर सरकारी कर्मचारी समायोजित किया था। बिहार में मजबूत सरकारी स्कूल शिक्षा कि आखिरी दौर पर सारा दारोमदार इन्हीं शिक्षकों के कंधे पर है। इन्हीं कैडर को मरणशील घोषित कर दिया गया, फिर ये रिटायर होते गए और साथ में पढ़ाई का स्तर भी रिटायर होता चला गया। जहां एक तरफ नए शिक्षक नियमावली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है वो कैबिनेट में मंजूरी देकर ये फैसला कर लिए, तो वहीं लगातार इसका विरोध जो है वो अभी प्रदर्शन जो शुरू हो गया। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के जो पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी इस नामंजूरी उनकी दिखाई दे रही है। जहां एक और शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली जो है वो ऐसे ही हो, साथ ही साथ राज्यकर्मी का भी जो है वो दर्जा मिले। आने वाले दिनों में देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बड़े दबाव को लेकर क्या कुछ फैसला लेंगे या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। लेकिन हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला उनके लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसान, ये तो आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें ही बयान करेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर्मेशन।